तो हेलो दोस्तों यार, अगर आप भी अपना माय फर्स्ट व्लॉग का एक वायरल थंबनेल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप जब थंबनेल बनाओगे ना तो आपका थंबनेल 100% वायरल थंबनेल बनेगा। और जब उसके कोई भी ऑडियंस के पास अगर आपका वो थंबनेल जाएगा तो 100% श्योर हूँ कि वो थंबनेल पर क्लिक किए बिना रह नहीं पाएगा। तो शुरू करते हैं यार आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि ये जो माय फर्स्ट व्लॉग है इस पर थंबनेल लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो, ये जो टॉपिक होते हैं ना माय फर्स्ट व्लॉग, जितने भी कैटेगरी के व्लॉग्स होते हैं ये ज़्यादा कुछ सर्च करके नहीं देखता। अब कोई इंट्रो बनाने का इन्वेस्टर में तो वो तो ऑडियंस को जिसको भी मतलब सीखना है तो वो सर्च करके देखेगा। अब व्लॉग का क्या होता है कि व्लॉग हमारे यूट्यूब खुद दूसरे को भेजता है, हमको सर्च करना नहीं पड़ता। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया तो मैं जैसे यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब पे वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी वीडियो शो होती है, तो वहाँ पे अगर गाइस आपका वीडियो आता है और आपका थंबनेल अच्छा होता है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और आपका व्यूज भी बढ़ेगा। तो इसलिए गाइस आपको थंबनेल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको थंबनेल बनाने सिखाऊंगा, आप काफ़ी अच्छा थंबनेल बना पाओगे, कुछ इस तरीके के थंबनेल आप इस वीडियो को देखने के बाद बना पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शिव शर्मा चैनल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए मैं ये जो पिक्सेल ऐप का यूज़ करूँगा, आपको भी इसी ऐप का यूज़ करना है क्योंकि यही ऐप बेस्ट है एंड जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इसी ऐप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले तो ये जो थंबनेल का साइज है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो थंबनेल का साइज बनाने के लिए यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इमेज साइज पर जाना है, यहाँ पर आपको कस्टम मिलेगा, यहाँ पे आपको YouTube थंबनेल मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये जो साइज आ चुका है YouTube थंबनेल का, एंड गाइस अभी जो हम यहाँ पे थंबनेल बनाएंगे वो इसी साइज में बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट मिल जाएगा, तो उसको अगर हम साइड में करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी बारी आती है आपके इमेज की। तो जैसे कि आप देखते हो कि काफ़ी ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ के एक व्लॉगिंग का टाइप अपना एक अच्छा सा फोटो शूट कर लेते हैं, और फोटो कैप्चर करके आपको सबसे पहले तो अपना एक अच्छा सा फोटो ले लेना है। एंड अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी से अपने जो फोटो इंपोर्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे जो ये वाला फोटो चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया है तो मैं इस फोटो का यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं इसको आपको एग्जांपल के लिए बताने के लिए आपको मैं इस वाले जो फोटो का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डन कर दूंगा। सो फ्रेंड्स अभी कुछ इस तरह का इमेज आ चुका है। सो फ्रेंड्स अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो वायरल चल रहा है माय फर्स्ट व्लॉग, जो टेक्स्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और मैं आपको बताने के लिए जो ये न्यू टेक्स्ट है ना इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं डबल टैप करूँगा एंड यहाँ पर हम लिख देंगे माय फर्स्ट व्लॉग। तो मैं सबसे पहले माय लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे डन कर दूंगा। सो माय लिखने के बाद गाइस अभी इसको थोड़ा साइज वगैरह सेट करेंगे, एंड साइज सेट करने के बाद गाइस अभी यहाँ पे आपको ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे गाइस आपको कलर मिलेगा, कलर से पहले गाइस हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो फॉन्ट मतलब स्टाइल, तो फॉन्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको बेसिकली जो बेसिक फॉन्ट होते हैं इसके अंदर जो ऑलरेडी होते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे माय फॉन्ट पे मैंने जो गूगल से डाउनलोड किए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे जो ये पॉपिंस ब्लैक होता है ये यूज़ करूँगा, या पॉपिंस ब्लैक इटैलिक यूज़ कर सकता हूँ, आप ये गाइस गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ये पॉपिंस ब्लैक इटैलिक यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस इतना कर देने के बाद अभी गाइस यहाँ पे देखते हो हमने माय लिख दिया है, अभी गाइस इसमें कलर ऐड करेंगे। तो कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस जो ये कलर मैं थोड़ा इसको मैं ग्रेडियंट मतलब अच्छा सा लुक देने वाला हूँ, तो आप चाहे तो सिंपल रख सकते हो, लेकिन मैं ये जो आपको मैं कलर ये वाला ये सिलेक्ट कर लेना आप चाहे तो रख सकते हो। तो मैंने ये जैसे ये कलर चूज़ किया है तो अभी इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करूँगा नीचे और जाऊँगा। यहाँ पे गाइस जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक इनर शेडो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको इनेबल कर दूँगा। एंड यहाँ पे मैं जो इसका कलर येलो सेलेक्ट कर दूँगा, एंड जो इसका ब्लर रेडियस है वो बिल्कुल आपको कम रखना है, ऑफसेट एक्स थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पे सेट करना है कुछ इस तरीके से मेरे जैसे। तो कुछ इस तरह से ऑफसेट एंड ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई आपको 13-13 रख देनी है, जो इसका भी ब्लर रेडियस आपको थोड़ा सा मतलब इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद अभी यहाँ पे आपको इन्हें यहाँ पे डन कर देना है। सो फ्रेंड्स इतना कर देने के बाद अभी इसका एक कॉपी बना लेना है, कॉपी बनाने के बाद गाइस अभी यहाँ पे आपको अपना लिख देना है फर्स्ट। सो गाइस मैं आपको बता दूँ ये गाइस आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा फर्स्ट एंड डन कर देता हूँ। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे जैसे माय फर्स्ट लिखा,
एंड इसका ही मैं एक कॉपी बना लूँ, कॉपी वाले आइकन पर क्लिक करूँगा एंड ये कॉपी बन जाएगा। सो मैं इसका भी यहाँ पे लिख दूँगा माय फर्स्ट व्लॉग। तो अभी के टाइम में जो माय फर्स्ट व्लॉग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अगर आप उसी को बनाकर अपना चैनल ग्रो कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। सो देखो ये जो थंबनेल है ना, इसको बनाने के बाद हर कोई अपना जो व्लॉग वायरल कर रहा है। सो फ्रेंड्स इतना कर देने के बाद अभी आपको यहाँ पे थोड़ा इसको साइज वगैरह सेट कर सकते हो, बाकी इतना कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स देखो अभी यहाँ पे हमारा जो एक शेडो इफेक्ट हम देंगे, तो शेडो इफेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे आपको लिखना है शेडो PNG, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम गैलरी से वो चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो ये वाला जो शेडो PNG मैं यहाँ पे ऐड कर लिया है, एंड इसको थोड़ा सा मैं मतलब इस तरह रोटेट करूँगा, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका साइज वगैरह सेट करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइड में लगा दूंगा। साइज वगैरह आप इसको यहाँ पे सेट कर लेना अच्छी तरीके से। सो मैं इतना कर देने के बाद अभी आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे का जो ये हमारे जितने भी लेटर्स हैं इनको इसके ऊपर वाली साइड लेके चले जाना है। सो फ्रेंड्स अभी देखोगे कि जो हमारे जो माय फर्स्ट व्लॉग हमने यहाँ पे लिखा है वो काफ़ी अच्छा क्लियर हमको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड वर्ड हमारा शोर है। अभी गाइस आप जो ये PNG है अपना यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो, एंड बेसिकली मैं तो ये एग्जांपल के लिए आपको बताया। एंड अभी गाइस आपको इसको सेव कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आपको कस्टम मिलता है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा पे सेट करना है जिससे कि आपके जो थंबनेल की क्वालिटी अच्छी हो, और यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी कर देना है। सो फ्रेंड्स हमारा जो इमेज है वो सेव हो चुका है, एंड अभी आप इसको अपने कोई भी व्लॉग में आप इसको लगा सकते हो, काफ़ी प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे यूट्यूब टिप्स से ट्रिक इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।